हाँ तो दोस्तों आपके समक्ष फर्स्ट क्वेश्चन लग गया है आज का, जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप या वायु वेग, क्या नापते हैं हम हाइग्रोमीटर से? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर से हम वातावरणीय आर्द्रता को नापते हैं। आप हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट गलत करके आ जाते हैं। हाइड्रो अलग है और हाइग्रो अलग है ना। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हम टॉप 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं और आने के 100% चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? आपको बताना है दूध का घनत्व। यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या आपका हाइड्रो, सॉरी दोस्तों हाइग्रो बोल रहा हूँ मैं, लैक्टोमीटर। ओके, आपके लैक्टोमीटर से हम दूध का घनत्व नापते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र उपयोग किया जाता है कौन सा? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर या हाइग्रोमीटर? जल्दी से कमेंट करो फास्ट। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब की बात की गई है, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम क्या, बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है, क्या पायर हीलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? आपको बताना है जो आपका पायर हीलियोमीटर होता है उसका यूज किसको नापने में किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को? जल्दी से कमेंट करो फास्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जाता है क्या, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आपका जो पायर हीलियोमीटर है उसका यूज़ हम सोलर रेडिएशंस को नापने में यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने में उपयुक्त हो वह है क्या है? आपका गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या फिर आपका वाष्प दबाव थर्मामीटर? आपको बताना है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर राइट आंसर जाएगा क्या, जी दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? आपको बताना है जो ट्यूबलाइट होता है उसमें निम्न प्रेशर पर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नियॉन, नियॉन पारद वाष्प, नाइट्रोजन एवं नियॉन या फिर आपका क्या, कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करें फास्ट। तो दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड, नियॉन एवं पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर आपकी नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है, क्या हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन है? दोस्तों हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? जल्दी से बताइए हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, जी हाँ दोस्तों आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर क्या, सेकंड, क्लोरीन। ओके चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन्स गैस किन को बोलते हैं। आपको पता होगा यदि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, आवर्त सारणी पढ़ी होगी, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक से दो क्वेश्चंस। आपकी जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिस सारी गैसेज हैं इनको हम हैलोजन तत्व बोलते हैं, हैलोजन गैसेज बोलते हैं। क्लोरीन हुआ आपका, ब्रोमीन हुआ आपका, आयोडीन हुआ, इन सभी को हम हैलोजन गैसेज बोलते हैं। बात करते हैं क्या सर इनएक्टिव गैसेस या आक्रिय गैसें किन को बोलते हैं? आपको दोस्तों बता दें आपके जो लास्ट ग्रुप में जो गैसेस रखी गई हैं, जैसे कि आपका नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जिनॉन हुआ, इन सभी को आक्रिय गैसेस के नाम से हम
जानते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती, आपके लास्ट ग्रुप में रखी गई हैं आवर्त सारणी में यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? आपको बताना है वो जो इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है, ग्लासिन, एलानिन, सेरिन या सभी। जल्दी से कमेंट करें फास्ट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाने वाला है क्या? जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लाइसिन ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है, अश्रु गैस क्या है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको बताना है क्या अश्रु गैस है। तो फ्रेंड्स आपका अश्रु गैस क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपका अश्रु गैस है अमोनिया। जी हाँ दोस्तों, इस गैस की वजह से आंसू निकल आते हैं आँख से, इसलिए हमने इसको अश्रु गैस नाम दिया। कभी कभी आपसे पूछ लेता है क्या हास्य गैस है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? जो आपके कीट भक्षी पौधे होते हैं वो किस मृदा में उगते हैं और किसकी कमी रहती है? आपने सुना होगा क्या घटपर्णी, आपने देखा होगा वो कीटों को खाती है, उनसे अपनी पूर्ति करती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर आपका जल। आपको बताना है क्या किसकी कमी रहती है उस मृदा में। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जाएगा क्या नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, जो आपके कीट भक्षी प्लांट होते हैं, आपने घटपर्णी सुना होगा दोस्तों, नेफेंथिस बोलते हैं जिसको, आपने देखा होगा इसका मुंह ऐसा होता है कलश आकार का, इसमें जो भी कुछ कीट आते हैं इसमें रस निकलता है मीठा मीठा, यहाँ पर तरल पदार्थ रहता है और वो इसको पीने के लिए आते हैं, उसके अंदर जाते हैं और इसका ढक्कन बंद हो जाता है। रीजन इनको नाइट्रोजन की कमी रहती है, इस मृदा में दलदली मृदा रहती है तो इन कीटों से वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, जीव विविधता का कारण है क्या है? जीव विविधता का कारण अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या फिर आपका बहुगुण सूत्रता। आपको बताना है जीव विविधता का कारण। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या? जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, उत्परिवर्तन की वजह से जीव विविधता होती है, अनेक प्रकार के जीव होते हैं, एक साथ एक समूह में रहते हैं जीव विविधता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकीय में DNA होता है? दोस्तों आपको बताना है नाभिक होता है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकीय में DNA होता है? आपका तारक केंद्र, गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से कमेंट करें फास्ट, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके आपका क्वेश्चन आपने रीड कर लिया ना, क्या था आपका क्वेश्चन था कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में DNA होता है? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाभिक समझते हैं ना, सेल्स के सेंटर में जो आपका पॉइंट रहता है, केंद्रक, न्यूक्लियस, इसको हम नाभिक बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है बताइए? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है, क्या है मशरूम? तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या? जी हाँ दोस्तों, मशरूम एक कवक है, ओके, जिसको हम फंजाई भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है क्या है? शैवाल, नग्नबीजी, फफूंद या फिर गांठदार जड़ें। तो दोस्तों आपको बताना है ईस्ट या मशरूम है क्या है, आपके ऑप्शंस ये हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या? फफूंद। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी आपकी जो चपाती होती है, रोटी होती है, उसको आप 2-3 दिन के लिए रख दें या फिर फ्रिज में ही रखे रहे, कहीं पे रखे रहे, तो उसके ऊपर भूरी भूरी फफूंद जम जाती है। जी हाँ दोस्तों, भूरी भूरी फफूंद जम जाती है, इसको ही हम ईस्ट बोलते हैं। ओके कवा किसी को बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ब्रेड होते हैं, कोई भी चीज़, उसके ऊपर भूरी भूरे रुआ टाइप के आ जाते हैं, रुई के जैसा, उसको ही हम कवक बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, खमीर एक उदाहरण है क्या है दोस्तों? जीवाणुओं का, आपका कवक का, विषाणु का या फिर आपका क्या? जी हाँ दोस्तों, शैवाल का। जल्दी से कमेंट करें, खमीर एक उदाहरण है।
तो दोस्तों आपको बता दें, आपका जो खमीर होता है, खमीर किसको बोलते हैं, आटे को अपन 2-3 दिन के लिए रख देते हैं, जैसे कि आपको जलेबी वगैरह बनानी रहती है तो हम खमीर बोलते हैं, खमीर तो यहाँ पर कवक का उदाहरण है। ओके, आप समझते हैं ना, कवक आपका एल्गी फंजाई, दोस्तों आपके जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, है ना, और आपके कवक को क्या बोलते हैं, फंजाई इंग्लिश में, है ना, और आपका जो शैवाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम एल्गी, शैवाल जो होते हैं उनको हम एल्गी बोलते हैं, और आपका जो विषाणु होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, ओके इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं इससे भी बढ़ चढ़ कर नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ। और दोस्तों आप डेली टाइम से आ जाया करें, टाइम फिक्स कर लें कितने टाइम आपको वीडियो चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।